करनी है? कितने बजे स्टार्ट है? मैम 8 बजे। 8 बजे? तकरीबन सबके वहां 8 बजे स्टार्ट है। कोई ना, आई लीव यू बाय 8। ओके ठीक यो मैम, है, चलो गुड इवनिंग, स्टार्ट करें फिर। आज हमने गेम खेली थी, यो मैम, चलो फटाफट गेम खेलेंगे, देन विल यू कैन गो फॉर द लोरी सेलिब्रेशन। स्क्रीन दिख रही है सबको? यो मैम, यस मैम, यस मैम। ठीक है, सो व्हाट वी गोना डू इज वी गोना प्ले अ गेम। कार्डिक वाली आई थिंक जो अर्ली मॉर्निंग क्लास में आए थे उन्होंने ये खेली थी, और कांक्षा तुम आई थी ना यो मैम, ये गेम ना तुम? ठीक है ओके, हमारा स्टार्ट होता है कार्डिक वाला क्वेश्चन 3 से। ठीक है, तो देखो गेम किस तरीके से है, बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है। करना क्या है? हाँ जो तुम सब ओके ठीक, करना क्या है, कभी लाइट सही नहीं करेंगे। सिनेरियो होगा स्क्रीन पे, डॉक्टर है पेशेंट है, ठीक है, तो तुम डॉक्टर हो या पेशेंट हो? ऑल राइट, यो मैम, बिना यस मैम, पेशेंट क्यों, किसी कंडीशन में पेशेंट ज्यादा सीरियस हो गया था। तुम डॉक्टर हो, ये पेशेंट है इनविजिबल, मैं सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए मदद कर रही हूँ। ओके, तो स्क्रीन पे जब आएगा डॉक्टर ने क्या बोला वो तुम पढ़ोगे, और जब आएगा पेशेंट ने क्या बोला वो मैं पढ़ूंगी। क्लियर? तो यो मैम, यो पेशेंट मैम, इज सम हाइपोथेटिकल इंडिविजुअल, सो हम इसके थ्रू हम करना क्या चाहते हैं, हम डिजीजेस को याद करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हम अगर थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आप उसको थोड़ा और अच्छे से समझ पाएंगे, राइट? सो ये आपके नीट के सिलेबस को ध्यान में रख के डिजाइन करी है। ठीक है, तो मैं ऐसा कोई टेस्ट नहीं बताने वाली जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं आता, ऐसी कोई कंडीशन नहीं पढ़ने वाले जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं आती, सिलेबस से रिलेटेड ही है। ठीक है, इसलिए रिस्ट्रिक्टेड है। क्लियर? ऑल यो मैम, यस मैम, राइट, चलिए स्टार्ट करते। सो पेशेंट नंबर 3, क्योंकि इससे पहले वाले पेशेंट कार्ड उसके पेशेंट थे, पल्मोनरी सिस्टम के पेशेंट थे, जो बच्चे सुबह की क्लास में आए होंगे उनको पता होगा, लास्ट ट्यूसडे करा था। ठीक है, पेशेंट नंबर 3। सो एक सेकंड, मुझे ना फोन से ज्वाइन करने दो। ठीक है, तो आई नीड अ डॉक्टर इन दिस केस, रेज योर हैंड, तो उसे स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहले वी हैव शुरू, भाई जो एक बार डॉक्टर खेल लेगा वो दूसरी बार नहीं आएगा। ठीक है, तो शुरू अभी आ गई, सबसे पहले उसने हाथ खड़ा करा था। ओके शुरू, रेडी? यो मैम, शुरू के बाद जो हाथ खड़ा करा था किसने किया था? राजकुमारी ने करा था, यस। फिर हमारे पास आकांक्षा थी, और फिर हमारे पास प्रिया थी, आई गेस प्रिया प्रीति जो भी थी निकल गया, प्रीति थी, प्रीति। ठीक है चलो, तो शुरू, सबसे पहले तुम डॉक्टर, सो व्हाट विल यू आस्क? अब पेशेंट एक अंदर आया, सो यू हैव टू इमेजिन, दिस गेम इज इमेजिनेशन, तुमको सब इमेजिन करना है। सो हम सब यहाँ बैठे हैं, ठीक है, तुम सारे ऑब्जर्विंग डॉक्टर हो, तो तुम ऑब्जर्व करो सिचुएशन, लेकिन तुमको भी नोट डाउन करना और सीखना है कि क्या चल रहा है, राइट? क्योंकि सबका पॉइंट ऑफ व्यू मैटर करता है। तो अब पेशेंट आया दरवाजे से चल के, एंड अब पेशेंट से डॉक्टर शुरू क्या पूछेगी? स्टार्ट करूं? व्हाट यस हैपेंड? अच्छा बेटा तेरा गला ठीक है? ठीक मैम शायद खराब हो रहा है, पर ठीक हो जाएगा। ओके, सो पेशेंट ने कहा, आई फील पेन इन चेस्ट समटाइम, ऐसा लगता है दिल में जलन सी हो रही है, तो बर्निंग सी सेंसेशन सी हो रही है दिल की तरफ, और मेरे को छाती में दर्द हो रहा है। तो पेशेंट ने कहा ये, अब देखो जो पेशेंट बता रहा है वो क्या है, साइन है या सिम्टम? सिम्टम, सिम्टम, और तुम्हारे लिए वो वर्क करेगा एज अ साइन, तो तुम जो ऑब्जर्व कर रहे हो वो साइन है, तो वहां पे साइन लिखो। सबसे पहला पेशेंट 3 के साथ साइन लिखो, क्योंकि इसी से तो बीमारी पहचानोगे। तो साइन क्या है? चेस्ट पेन, बर्निंग सेंसेशन इन चेस्ट, इन हार्ट, मतलब दिल के पास, वो तो एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोला पेशेंट, जैसे छाती में दर्द हो रहा है, ऐसे दिल के पास थोड़ा हो रहा है, जलन सी हो रही है। तो लिखो चेस्ट पेन एंड बर्निंग सेंसेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू। और कहाँ कहाँ दर्द होता है? तो पेशेंट ने क्या बोला, जॉ में दर्द हो रहा है, मेरे पीठ में भी दर्द हो रहा है, थोड़ा सांस लेने में भी उस टाइम प्रॉब्लम होती है
जब ऐसे छाती में दर्द सा उठता है ना, तो मेरे को थोड़ा सांस लेने में भी दिक्कत होती है और जॉ में भी दर्द होता है, बैक में भी दर्द होता है। तो जब उसने जॉ और बैक बोला तो तुमको इतना तो क्लियर हो गया है ना कि लंग से रिलेटेड डिजीज नहीं है, क्योंकि उसका जॉ और बैक से तो कोई लेना देना नहीं था। राइट, तो लिखो वहां पे अगला साइन, जॉ बैक पेन विद प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन। जॉ बैक पेन विद प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन। नीचे लिख लो, कंक्लूजन लिखो उसके साथ, नॉट अ पल्मोनरी कंडीशन। पहला मैं बता रही हूँ, अगला तुम खुद करोगे सब, ठीक है? तो ये पल्मोनरी कंडीशन नहीं है, लंग की कंडीशन नहीं है, क्योंकि जॉ का कोई लेना देना नहीं था उससे। जो लोग ट्यूजडे की मॉर्निंग क्लास में आए थे उनको ये बात समझ आ रही है? यो मैम, ठीक है, नेक्स्ट शुरू, नेक्स्ट क्वेश्चन। रेस्ट करने से ठीक फील होता है? हाँ तो डॉक्टर ने पूछा, रेस्ट करने से ठीक फील होता है? एंड द पेशेंट सेड यस, रेस्ट करने से ना मेरे को आराम मिल जाता है, मतलब कि 15-20 मिनट के रेस्ट के बाद आराम मिलता है। तो लिखो वहां पे, 15-20 मिनट रेस्ट रिकवरी, 15-20 मिनट रेस्ट इक्वल टू रिकवरी। ठीक है, लिखा सबने? यो मैम, सुरु बेटा यो लिखा यस तूने? मैम, लिख लिया तो बता क्या क्या साइन है, बताओ। मैम। साइन में चेस्ट पेन है, बर्निंग सेंसेशन है, जो और बैक में पेन है, और सांस लेने में प्रॉब्लम है। यस, और रेक्स करने से रिकवरी भी होती है ना स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम में, ये भी तो रहता है एक ओ सिम्टम है ना। राइट, ठीक है, तो अब क्या करोगे? अब तुम इसको पेशेंट को भेज दोगे कि देखो, ये जब उसने बोला ना रेस्ट करने से रिकवर होता है, तो इससे शुरू को आइडिया होगा था कि अगर रेस्ट करने से रिकवर होता है ना, तो अभी इसको हार्ट कंडीशन नहीं हुई है एग्जैक्टली, इसको अभी कोई बीमारी नहीं हुई है, इसको बीमारी के सिम्टम आने स्टार्ट हुए। सो पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एंजीना। नाउ व्हाट इज एंजीना? एंजीना इज नॉट एक्चुअली अ डिजीज। कल मैंने बोला था ना, जब मैं तुम्हें पढ़ा दूंगी उसके बाद तुम खुद पढ़ोगे तो ज्यादा समझ आएगा, तो अगर तुम पढ़ के आए हो तो तुमको थोड़ा सा अब समझ आएगा कि एंजीना कोई बीमारी नहीं होती। एंजीना इज अ कंडीशन, एक तरह का सिम्टम है। इट इज एन इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ब्लड टू हार्ट टिश्यू दैट कैन लीड टू हार्ट अटैक। यानी कि इस पेशेंट के जो हार्ट है ना, इसके हार्ट में ना ऑक्सीजन की सप्लाई सही से नहीं जा रही है, तो कुछ कुछ एरिया जो है ना उसको ऑक्सीजन सही से नहीं मिल रही। मतलब जिस एरिया को ऑक्सीजन नहीं मिल रही होगी, वहां के सेल कैसे होने लग जाएंगे? डेड। डेड। और अगर ज्यादा सेल डेड हो गए तो क्या हो जाएगा? हार्ट हार्ट अटैक, चेस्ट पेन। अटैक। यस, तो पेशेंट को क्या है? एंजीना। तो इसकी रिकवरी, अब इसके आगे टेस्टिंग वगैरह होगी देखने के लिए कि कितनी कंडीशन खराब है, और फिर इसको रिकवर करने के लिए मेडिसिन दी जाएगी। राइट, तो एंजीना तक पेशेंट आ गया तो शुक्र है, हार्ट अटैक से बचाया जा सकता है। क्लियर सबको? तो उसके नीचे लिखो, यो मैम, यो उसके नीचे लिखो डायग्नोसिस एंजीना, और उसके नीचे डेफिनेशन लिख लो। डन, यो ठीक है। नाउ आई नीड अ पेशेंट एंड डॉक्टर। तो पहले कौन था, किसने हाथ खड़ा करा था? राजकुमारी, डॉक्टर और एक पेशेंट चाहिए मुझे, तो पेशेंट के डायलॉग पढ़े। शिल्पी, शिल्पी देर से आई है, देर से आने वाले को तो नहीं मिलेगा इतनी जल्दी, थोड़ा वेट करना पड़ेगा बेटा। मैम, कोई ना, थोड़ी देर में आ जाइय। आकांक्षा, आप पढ़ोगे पेशेंट का बेटा? यो मैम, ठीक है, तो शिल्पी एंड आकांक्षा स्टार्ट किया जाए। और सॉरी, शिल्पी नहीं, सॉरी, राजकुमारी एंड आकांक्षा। राजकुमारी डॉक्टर है, पेशेंट हमारे पास हमारी आकांक्षा। चलो स्टार्ट करो। व्हाट हैपेंड? आज से मुझे नहीं, आई फील पेन इन चेस्ट समटाइम्स, ऐसा लगता है दिल में जलन हो रही है। और कहाँ कहाँ दर्द होता है? जॉ में, बैक में, थोड़ा सांस लेने में भी उस टाइम प्रॉब्लम होती है। सारा रेस्ट कुछ रेस्ट करने से ठीक फील होता है, होता है। एंड आपकी एज कितनी है? नहीं ज्यादा है, एंड मैं 60 ईयर की हूँ। ओहो, पहली बात तो कांक्षा हमारी 60 ईयर की, तो आज ही पता चला। तो आपको एक चीज पता पेशेंट चली? और लग हाँ, क्या नहीं रहा ये पेशेंट डॉक्टर के बीच में ना, टॉक हो ये रही है। पेन लग नहीं रही है, बस कॉन्फिडेंट है, क्योंकि पेशेंट को कभी कभार दर्द फील होता है ना, पेशेंट उस टाइम दर्द में नहीं है, तो दर्द में नहीं है तो नॉर्मली बोलेगी। तो बेटा एक चीज नोटिस करी,
कि यहाँ तक जो क्वेश्चंस थे वो पिछले वाले क्वेश्चन जैसे ही थे, कंडीशन वैसे ही है। यो यो मैम, यो यो मैम, अपने को डाउट था कौन सी कंडीशन है इसको, एंजीना। हाँ, लेकिन डॉक्टर कौन था इस केस में, कौन है डॉक्टर? मैं कौन है? बकरी राज राजकुमारी। तो मेरे को बताओ कहाँ पर शक पैदा हुआ कि एंजीना नहीं है? देख के बता कहाँ पर तेरे को शक पैदा हुआ कि एंजीना नहीं है? नहीं इन्होंने एज पूछी है जो कि रेस्ट करने से, तुमने पूछी है? नहीं मैम, रेस्ट करने से उसको रेस्ट करने से ठीक फील नहीं होता उसको। हाँ, एंजीना में तो ठीक फील होता था, लेकिन इसको रेस्ट करने से ठीक नहीं फील हो रहा है। राइट, करेक्ट। एंड इसके बाद एज पूछी है, तो उसके बाद तो एज, चलो तुझे नहीं पता रीजन क्या है, लेकिन रेस्ट करने से ठीक नहीं हो रहा है, दैट मीन्स इट इज नॉट एंजीना, है ना? तो बाकी सिम्टम सेम थे, लेकिन जहां पे फर्क था वो था रेस्ट करने से ठीक नहीं होता। तो लिखो वहां पे साइन, लिखो साइन, लिखो जरा, क्या क्या साइन लिखोगे लिखना जरा, सारे साइन लिखने हैं, देन लेट्स सी, क्योंकि बाकी सारे भी तो तुम ऑब्जर्व करने वाले डॉक्टर्स हो ना, तो लेट्स सी इसका आंसर कौन देता है। हाथ नीचे गिलो राजकुमार आकांक्षा, गुड। अब देखते हैं साइन सब कौन लिखता है, और जैसे जिसके साइन हो जाए रेज योर हैंड। तो पेशेंट ही सबसे पहले उसी ने साइन लिखी है अपने, कि मुझे बताती हूँ, मैं बताती हूँ। और कोई, और कोई? क्यों भाई, लड़कों को नहीं आता ये, समझ नहीं आ रहा? हाँ शिल्पी बता बेटा, क्या क्या साइन है? ओके हरीश बता बेटा, क्या क्या साइन है? मैम, पेन इन चेस्ट एंड बर्निंग सेंसेशन, पेन इन जॉ एंड बैक, प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन, और रेस्ट करने से ठीक नहीं होता। रेस्ट करने से ठीक नहीं होता, राइट, करेक्ट, वेरी गुड। इतने साइंस थे हमें देखने को मिले, गुड, सबके यही थे? यो यो मैम, अच्छा। तो तुमने क्या कहा, पेशेंट को भेज देते हम एंजियोग्राफी के लिए, किसके लिए? एंजियोग्राफी, एंजियोग्राफी। तो राजकुमारी ने एंजियोग्राफी के लिए भेज दिया। एंजियोग्राफी में क्या होता है, बेसिकली एक्सरे होता है हार्ट का, और एक स्पेशल टाइप की डाई डाली जाती है, जिसकी वजह से जितनी भी आपकी ब्लड वेसल्स होती है ना, वो विजिबल हो जाती है अच्छे से, ठीक है? तो एंजियोग्राफी के लिए भेजा, तो एंजियोग्राफी को थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्वियसली तुम्हारे सिलेबस में नहीं आएगा, फिर मैं तुम्हें क्यों करा रही हूँ, मैं तुमको इसलिए करा रही हूँ ताकि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बैठे, क्योंकि तुम ऐसी चीजें तो नहीं भूलोगे, मुझे ऐसा लगता है। आएगा नहीं ये इस तरीके से, कोई नहीं पूछेगा, राइट? तो दिस इज एन एंजियोग्राफी। तो ये आपको सारी की सारी क्या दिख रही है, कोरोनरी रिजल्ट, ठीक है? और एंजियोग्राफी में आपको क्या देखने को मिल रहा है, कहीं भी कुछ अजीब देखने को मिल रहा है? यो यो मैम, यो यो मैम, क्या देखने को मिल रहा है गुड़िया, बता बोल, अपनी लैंग्वेज में बोल, बोलो क्या देखने को मिला मैम? ब्लॉक की जगह कोरोनरी आर्टरी में। हाँ ये वाली, यो यो मैम, यस। देखो सारी कोरोनरी आर्टरी आपको मस्त दिख रही है ना, सिर्फ इधर आके पिचक सी नहीं गई, ऐसे दिख रही है एक्चुअली। ये आपको जो दिख रहा है ना, दिस इज अ ल्यूमन, इसका ल्यूमन, क्योंकि मैंने ब्लड में डाई डाली थी ना, पहले हम डाई वाले इंजेक्शन लगाते हैं पेशेंट को, उसके बाद एक्सरे करते हैं, क्योंकि हमें ब्लड वेसल्स देखनी है। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ब्लड यहाँ से सही से नहीं जा रहा, इस वजह से तो इतना से इस हिस्सा हमें विजिबल हुआ, बाकी हिस्सा विजिबल नहीं हुआ है। दैट मीन्स ब्लड वेसल यहाँ से, अगर ऐसी ब्लड वेसल थी तो यहाँ पे वो नैरो हो गई, नैरो हो गई ना, नैरो हो गई का क्या मतलब, पिचकी तो होगी नहीं, दैट मीन्स यहाँ पर कुछ इकट्ठा ही हुआ होगा। यो यो मैम, हाँ, तो मेरे को पता चल गया कि कोरोनरी आर्टरी में क्या है, ब्लॉकेज, ब्लॉकेज, ठीक है? तो एंजियोग्राफी से मेरे को ये चीज क्लियर हो गई, उसको यहाँ बता। सो हमें क्या पता चला, द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम कौन सी कंडीशन? देखो हमने क्या पूछा था, एज पूछा था ना, तो 60 इयर्स से है, तो व्हाट हैपन इज विद एज ना, एक्चुअली कोरोनरी आर्टरी की तरफ ब्लॉकेज, हमारी काफी सारी आर्टरीज में ब्लॉकेज होनी स्टार्ट हो जाती है, इसलिए कहते हैं ना कि एक्टिव रहना चाहिए। तो सिर्फ इसलिए एक्टिव नहीं रहना चाहिए, अभी एक्टिव है, ओल्ड एज में जाके इसके साथ बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो कोई इंसान अगर बहुत इनएक्टिव है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो ओल्ड एज में ऐसी ब्लॉकेज होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसको क्या कंडीशन मिलेगी, क्योंकि ये 60 इयर्स का पेशेंट था, इस वजह से कंडीशन इज एथेरोस्क्लेरोसिस। एक ये भी होती है एथेरो
स्क्लेरोसिस। अगर आपने स्लाइड खोल के देखी होगी कल वाली, तो आपने एंड की शीट पे देखा होगा डिजीजेस का डिफरेंस लिखा था मैंने, ठीक है। सो दिस पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एंथीरो, कैसे याद रहेगा एथीरो और एंथीरो में ए एन से याद रखना एंसेस्टर। जो ओल्ड लोग हैं उनमें ये आपको दिक्कत देखने को मिलेगी कि प्लेग जमा हो जाएगा उनकी आर्टरी में, ठीक है, फैट बैड कोलेस्ट्रोल सब वहां इकट्ठा हो जाता है। समझ आई बात? लिख लो। तो डायग्नोसिस क्या है? एंथीरोस्क्लेरोसिस। अगर नीट वाले तुम्हें रुलाना चाहते हैं ना, तो एथीरोस्क्लेरोसिस एंथीरोस्क्लेरोसिस एक साथ लिख देंगे, तो एंथीरो से एंसेस्टर वर्ड याद आ जाएगा, तो ठीक है, नहीं तो फिर जय माता दी हो जाएगी। चलो नेक्स्ट केस चले। यो यो मैम, ठीक है, अब नेक्स्ट केस के लिए एक पेशेंट और एक डॉक्टर साहब चाहिए हमें। चलो डॉक्टर कौन बनेगा, पेशेंट मैं बन जाती हूँ। कितने खराब है ये। अंशिका ये मैम बहुत चलाएगा तू, है पेशेंट नहीं बनेगा डॉक्टर बन जाऊंगी। चलो अंशिका पूछो, क्या पूछना चाहती हो? तो दरवाजा खुला, पेशेंट मैं अंदर आई तुम्हारे पास और मैं तुमसे पूछ रही हूँ। पूछो भाई, क्या पूछोगी? नमस्ते डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब मुझे इंग्लिश नहीं आती। नमस्कार जी, नमस्कार जी, बताइए क्या दिक्कत है? दिक्कत तो जिंदगी में बहुत सारी है, आप कौन सी वाली सुनोगी? हेल्थ वाली। हेल्थ वाली, अच्छा। मुझे ना कभी कभार चेस्ट में बहुत पेन होता है और ऐसा लगता है कि इसे दिल सा जल रहा है। वैसे तो दिल बहुत जलता है मेरा लोगों की खुशियां देख के, लेकिन अलग सा दर्द होता है ये। और कहाँ कहाँ दर्द होता है? इसकी तो मुझे से पूछ बेटा, इतने मजे से पेशेंट से मत पूछ लियो, ऑफेंड हो जाएंगे। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। अच्छा, आप खाते वगैरह क्या है, आपकी डाइट क्या है? मैं कॉलेज गोइंग हूँ, तो मैं वही खाती हूँ जो कॉलेज वाले खाते हैं, मतलब मोमोस स्प्रिंग रोल ये सभी खाती हूँ। जंक फूड खाना अलाउड नहीं है वैसे। अरे मुझे रोकेगा कौन, कॉलेज जाती हूँ मैं, स्कूल थोड़ी जाती हूँ। डॉक्टर साहब, तो जब बेटा कुछ समझ नहीं आ रहा तो क्या करने के लिए बोल देगी पेशेंट को? एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी, ये देखो, और छोटा डॉक्टर वहां पे ऑब्जर्व कर रही थी, बस उछल के बोली एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी देख ले फिर। ये मैम, अगर मैं इसकी एंजियोग्राफी देखूं तो क्या देखने को मिल रहा है? स्क्रीन दिख रही है? जूम इन करके देखो एरो वाली साइड पे। ब्लॉकिश टाइप। हाँ, इधर भी ब्लॉकेज ही है, ये दिख रही है ब्लैक ब्लैक वाली, दिस इज आल्सो ब्लॉकेज। तो क्या देखने को मिला डॉक्टर साहब आपको? कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज। लेकिन बेटा क्या पेशेंट की एज 60 इयर्स थी? नहीं, ओल्ड नहीं है ना। तो पेशेंट की एज कैसा है? पेशेंट यंग, यंग है। तो यंग वाले में तुम्हें ब्लॉकेज दिखाई दे रही है, तो कौन सी बीमारी नहीं होनी चाहिए ये देख के बता अंशिका। एंथेरोस्क्लेरोसिस। हाँ, वो नहीं होनी चाहिए। तो फटाफट सारे कॉपी उठाओ, मुझे बताओ क्या साइन होंगे इसके, इस बीमारी के। फटाफट साइन लिखो, लेट्स सी कौन बताता है साइन। तू इतनी जल्दी लिख लिए तूने, बोल शुरू। मैम, बर्निंग सेंसेशन होती है और चेस्ट में पेन होती है कभी कभी। और इसने ज्यादा सिम्टम तो कुछ बताया नहीं है, एक चीज बताया और क्या? ये बाहर का ज्यादा खाना खाती है, तो लिखो ना अनहेल्दी डाइट, अनहेल्दी डाइट एंड एज इज यंग। ये भी तो साइन ही तो है ना, ये किस एज ग्रुप की डिजीज है ये, है ना? तो दिस इज ऑल्सो अ साइन फॉर द डॉक्टर। मजे के लिए थोड़ी तुमसे पूछते तुम्हारी उम्र कितनी है, वो हिसाब लगा रहे होते अपने माइंड में कि इसको क्या क्या कंडीशन हो सकती है, क्या क्या रूल आउट कर। लिख वहां पे अनहेल्दी डाइट एंड यंग। एंजियोग्राफी में तुझे क्या देखने को मिला?
मैम ब्लॉकेज लिख दे, ब्लॉकेज इन कोरोनरी आर्टरी, तो पता चल गया द डिजीज मस्ट बी एथीरोस्क्लेरोसिस। देखो एथीरो है ना, एंथीरो नहीं है ना, तो देखो एक्चुअल में अगर मैं इन दोनों को रख दू सामने एंजियोग्राफी का रिजल्ट, तो ज्यादा फर्क नहीं समझ आएगा, ऑलमोस्ट सेम आएगा। इट इज जस्ट दैट पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग उस डिजीज का नाम अलग है, और उसकी ट्रीटमेंट भी थोड़ी अलग जाएगी। एक यंग को अलग ट्रीटमेंट दी जाएगी, एक ओल्ड पेशेंट को अलग दी जाएगी, उसकी बॉडी अलग अलग रिस्पॉन्स देती है ना। तो डायग्नोस क्या निकला? एथीरोस्क्लेरोसिस। गुड। और इन सब में एंजीना किसी ने किसी टाइम पे देखा गया होगा ना? यो मैम, मोस्ट प्रोबेबली एंजीना देखा गया होगा। नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट कंडीशन इज लिटिल बिट सीरियस, ठीक है? तो अगली कंडीशन थोड़ी थोड़ी सीरियस है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें, राइट? नेक्स्ट कंडीशन क्या है? पेशेंट रश टू इमरजेंसी, पेशेंट को इमरजेंसी में लेकर आए गए हैं। पेशेंट तब बिल्कुल भी होश में नहीं था, अब पेशेंट को धीरे धीरे होश आया, तो पेशेंट इज एबल टू टॉक नाउ, पेशेंट बात कर सकता है। आफ्टर स्टेबिलिटी पेशेंट और डॉक्टर की कॉन्वर्जेशन है नीचे, ठीक है? तो जब पेशेंट को अनकॉन्शियसली लाया गया, तो ऑब्वियसली घर वालों से थोड़ा सा पूछा गया होगा कि क्या हुआ है ना। तो अगर इस तरीके का पेशेंट लाया जाए और लगे कि इसको कार्डियक से रिलेटेड कुछ है, तो मोस्ट प्रोबेबली उसकी ईसीजी ले ली गई होगी, है ना? तो अगर लगे कि फैमिली में कार्डियक हिस्ट्री है, या घर में कोई बता दे कि यार ये सडनली हमें बेहोश मिला है, राइट? तो एक बहुत जनरल है कि हम उसका एक ईसीजी करा देते हैं, और थोड़े बेसिक टेस्ट है जो डॉक्टर्स करवाते हैं ताकि पता तो चले कि हुआ क्या एग्जैक्टली इंसान, राइट? सो पेशेंट इमरजेंसी में रश करके लाया, पहले अनकॉन्शियस था लेकिन अब कॉन्शियस है, तो अब they can have a conversation. So who will play the doctor? अरे डर क्यों गए? Who will play the doctor? राजकुमारी का तो हो गया, अंशिका का भी हो गया, anyone else wants to volunteer? Interesting है सही? No one? प्रीति आवाज आ रही है? Yes ma'am. Yes ma'am. Okay. So now ask the question. How do you do? I'm doing better. What happened? So now the question asks is what happened? Patient से ही पूछा जाएगा, क्योंकि उसी को पता है actual में क्या हुआ है, right? So now ध्यान देना कि patient ने क्या बोला है। तुम चाहो तो साथ साथ में साइंस लिख सकते हो, एक्चुअल में तुमको साथ साथ ही लिखना चाहिए। जो ध्यान से सुनते हुए लिखेंगे कि इसमें से साइन क्या है वो तुम्हें खुद निकालना है, कि मैं बैठा हुआ था एंड सडनली चेस्ट में पेन उठा, फिर मैं लेट गया थोड़ी देर के लिए, क्योंकि बहुत जोर से ना चेस्ट में पेन सा उठा, तो मैं थोड़ी देर के लिए लेट गया कि हो सकता है मेरे को घबराहट या कुछ हो रही हो। फिर भी 30 to 45 minutes तक मैं लेटा ही रहा, लेकिन मुझे ठीक सा फील नहीं हुआ, तो फिर मैंने बोला था कि मुझे यहाँ पर आना है। सो डॉक्टर ने फिर क्या पूछा? होश में थे। हाँ, तो डॉक्टर ने पूछा जब आप आ रहे थे क्या आप होश में थे? पेशेंट ने क्या कहा? बीच बीच में डिजी सा फील हो रहा था। डिजी मतलब मेरे को ऐसे लग रहा था कि मैं बेहोश हो रहा हूँ, फिर मैं होश में आ रहा हूँ, फिर मैं बेहोश हो रहा हूँ। तो मुझे बीच में से डिजी डिजी से लग रहा था, चक्कर से आ रहे हैं, ठीक है? और एकदम से लेफ्ट आर्म में थोड़ा दर्द सा भी उठा था मेरा एक दो बार जब ये सब हो रहा था। तो वो मतलब ऐसे था ना कि धुंधला धुंधला था, तो मैं सही से नहीं बता सकता, ठीक है? तो दिस वॉज द कॉन्वर्जेशन। नाउ राइट डाउन द साइंस एंड टेल मी व्हाट आर द साइंस। रेज योर हैंड जिसने लिख लिया। हरीश बता बेटा। रुको 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 हरीश, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, give 1 minute, एक बार सबको लिखने दे। Write down the signs. ठीक है, सबने साइन लिख लिया। चल बता बेटा हरीश, क्या साइंस है? सडन चेस्ट पेन। एक एक करके बताइए, चेस्ट में पेन होना सडन। सेकंड, नॉट फील वेल फॉर 30 टू 40 मिनट। हाँ, मतलब रेस्ट करने के बाद नो रिकवरी, तो वहां लिखो नो रिकवरी आफ्टर 30 to 45 minutes रेस्ट, लिखो वहां पे। आगे बेटा, फील डिजी। हाँ, डिजी फीलिंग होना। थर्ड, आगे सडन पेन इन लेफ्ट आर्म। सडन पेन इन लेफ्ट आर्म, ठीक है? तो ये सोच के आपको क्या लग रहा है इसको क्या कंडीशन हुई होगी? हार्ट अटैक। अब ऐसा लग रहा है कि हार्ट अटैक हुआ होगा। तो जब वो अनकॉन्शियस था तभी ईसीजी पे लगा दिया होगा, ठीक है? सो व्हेन पेशेंट वाज एडमिटेड ही वी हैड द ईसीजी। ईसीजी को ईकेजी भी कहते हैं,
किसी किसी बुक में, तो कंफ्यूज मत होना, एक ही बात है। एक और होता है ईईजी, ईईजी ब्रेन का होता है। तो जब मैं तुमको ब्रेन वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी और अल्जाइमर पढ़ाऊंगी ना, वहां पे ईईजी दिखाऊंगी। ये ईसीजी और ईकेजी एक ही वर्ड है, क्लियर सबको? क्लियर मैम। ठीक है जी, तो हमने इसका ईसीजी लिया, उसको देख लिया एक बार। सो कंपैरिजन के लिए मैंने ऊपर नॉर्मल लिखा है, तुमको नीचे वाले मिलेगा। तो दिस इज अ नॉर्मल ईसीजी और दिस इज अ पेशेंट का ईसीजी। कंपेयर करके देखो, स्टार्टिंग को थोड़ा इग्नोर करते हम लोग, ये यहां से जहां से लीड स्टार्ट हुआ है। अब आपको ये दिख रहा है, आपको वेव दिख रही है, पी क्यू आर एस टी दिख रही है, पी आर एस टी नॉर्मल वेव दिख रही है। यो मैम, इसे सेम ही पेशेंट में देखो, क्या तुमको पी क्यू आर एस टी सही से दिख रही है? नो मैम। नहीं ना, यानी कि इतना तो हमें समझ आ गया कि बहुत ज्यादा फ्लैट जा रहा है इसका कर्व। देखो किसी किसी में नीचे जाता हुआ दिखेगा, तो वो डिपेंड करता है लीड कहाँ रखी है, तो कंफ्यूज मत हो जाए। ठीक है, तो इस पेशेंट को क्या लगता है क्या हुआ है? हार्ट अटैक। यस, द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, दैट इज आल्सो नोन एज हार्ट अटैक। हार्ट अटैक, वेरी गुड, शाबाश, गुड डायग्नोसिस। हार्ट अटैक में होता क्या है? हार्ट के सेल डेड हो जाते हैं। हार्ट के सेल डेड हो जाते हैं, राइट? तो अगर किसी को एंजीना है, उसकी वजह से भी हार्ट अटैक हो सकता है ना? यो मैम, बिल्कुल। अब मुझे पीछे देख के बताओ, जब मैंने तुमको ईसीजी कराया था, क्या मैंने बताया था कहीं पे ईसीजी में कुछ ऐसा आएगा कि हार्ट अटैक का सिग्नल देगा वो? यो मैम, क्या बताया था बेटा? मैम जब एसटी एलिवेटेड हो जाएगा तो हार्ट अटैक आने की संभावना एलिवेटेड होगा, राइट? That is P Q R S and T. किसकी एलिवेशन होगी बेटा? ST. ये वाला थोड़ा एलिवेटेड होगा, है ना? अब इसको समझना हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, यहाँ पे सही से तुम्हें ये एनालाइज करना तुम्हारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। आई थिंक दिस वॉज द रीजन दे आर रेफरिंग टू, कि इसमें थोड़ी सी एलिवेशन हो रही है, तो वो समझ पा रहे हैं। इसी को जब उल्टा लगा देंगे तो यहाँ पर उनको वही एलिवेशन दिखाई देगी, ये तो नहीं, राइट? तुम्हें ईसीजी नहीं आएगा, ये बस समझाने के लिए था, ओके? चलो, हार्ट अटैक तो तुमने बढ़िया से कर दिया, गुड। अब जो नेक्स्ट है वो कंडीशन सिवियर है, तो उसमें हमें डॉक्टर पेशेंट नहीं चाहिए, ठीक है? इसमें कोई रोल प्ले नहीं करेगा। चलो करूं नेक्स्ट। यो मैम, सो ये वाला क्वेश्चन कैसा है? अच्छा नहीं, ये अच्छा, हाँ हाँ, इसमें डॉक्टर चल सकता है। तो डॉक्टर है अपने पास, एनी अवेलेबल डॉक्टर ऑन ड्यूटी? आंशी का शुरू का तो हो चुका है, एनीवन एल्स कोई न्यू है तो बताओ, नहीं तो ये खेल लेंगे। राजकुमारी, आंशी का शुरू का तो हो गया, और कोई? आकांक्षा, नो वन एल्स? मेरी लोअर बॉडी मुझे हैवी सी लगती है, मेरे को भारी भारी से लगती है मेरी लोअर बॉडी, ठीक है? ऐसा लगता है कि थकावट सी रहती है मेरी बॉडी के अंदर ना, हर टाइम टूटा टूटा सा बदन लगता है, ऐसा लगता है नीचे ना भार ज्यादा है शरीर के, लेकिन वजन सा नॉर्मल है मेरा। तो डॉक्टर ने क्या चेक करा? हार्ट बीट। हार्ट बीट को उसने क्या नोटिस करा? एरिथमिया। एरिथमिया क्या होता है पता है? इट इज इरेगुलर हार्ट बीट, ठीक है? तो इरेगुलर हार्ट बीट डॉक्टर ने नोटिस करी। नाउ व्हाट वी विल डू इज डॉक्टर विल टेल यू टू गो फॉर द चेक, ठीक है? कुछ तरीके के चेक्स किए जाएंगे यहाँ पर। अब किस किस तरीके के चेक किए जा सकते हैं उसको हम स्टडी कर लेते हैं, ओके? सो आप लोग देखना इफ यू कैन अंडरस्टैंड। मुझे पहले ये बताना आवाज आ रही है, ओके? करूं शेयर? यो मैम, अबे अरे 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 अरे
ऑडिबल है? ऑडिबल है? नो मैम। ऑडिबल है, अरे वाह सबको। नो मैम। नो मैम। नो मैम। ठीक है भाई देखो, तो ये कह रहे हैं ये डॉक्टर है, ये पेशेंट है, और डॉक्टर को क्योंकि इसकी दिल की धड़कन है वो रेगुलर नहीं आ रही, लब डब नहीं आ रही, कभी लब डब कभी डब डब लब डब फिर ढंग से नहीं आ रही है। तो जब अरिथमिया हो रही है तो डॉक्टर को डर है कि शायद इसको हार्ट फेलियर है पेशेंट को। तो हार्ट फेलियर जानने के लिए देखो, पेशेंट अभी भी बैठा है ना, तो यानी कि अभी थोड़ा स्टेबल है, तो हार्ट फेलियर जानने के लिए डॉक्टर को टेस्ट कर सकते हैं, वो टेस्ट के यहाँ पे बात करने वाले। ठीक है, समझ आई बात? यो यो मैम। सबसे पहले क्या किया उन्होंने? ईसीजी। ईसीजी। इस मशीन को क्या बुलाऊंगी? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ग्राफ। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं? ऊपर देखो क्या लिखा है, इकोकार्डियोग्राम। एक तरह से ना जैसे साउंड वेव्स की मदद से आप जानना चाहते हो कि आपका हार्ट कितने अच्छे से वर्क करता है, तो चेस्ट पे रख के ऐसे उसको रोटेट करेंगे, तो साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे जानेंगे कि हार्ट की फंक्शनिंग सीख सही है या नहीं, जस्ट लाइक अ रडार सिस्टम समझ लो। इसके बाद इन्होंने चेस्ट का एक्सरे भी करा, एक्सरे से भी जाना जाता है। तो चेस्ट एक्सरे से आप ये देखोगे कि हार्ट की जो जितना साइज है वो एनलार्ज तो नहीं है, या फिर देखो जब हार्ट फेलियर होता है तो कभी कभार चेस्ट जो हार्ट होता है वो एनलार्ज हो जाता है। हार्ट फेलियर का मतलब क्या है? वर्क करना बंद कर देता है। हाँ, हार्ट फेल, जैसे कोई स्टूडेंट फेल होता है मतलब उसने पढ़ाई नहीं करी तो वो फेल हो गया। तो हार्ट का काम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट? पंपिंग ऑफ ब्लड। पंपिंग ऑफ ब्लड। अगर वो नहीं कर पा रहा तो हम कहेंगे हार्ट भी फेल हो गया ना, बताओ उसको भी फेल कर दिया। दसो तो हार्ट क्यों नहीं फेल, फेल क्यों हो गया? हो सकता है उसकी वेल्व सही से काम ना कर रही हो, है ना, तो वेल्व बदल दी जाती है। हो सकता है कि उसमें स्वेलिंग हो गई हो, अब किसी चीज में स्वेलिंग होती है तो वो सही से काम कहाँ करती है? अगर मधुमक्खी तुम्हारी उंगली में काट जाए तो तुम्हारी उंगली फोल्ड कर पाओगे सही से? नहीं कर पाओगे। तो ये यही चेक कर रहे हैं एक्सरे से कि स्वेलिंग है या फिर लंग्स में पानी वानी तो नहीं भर गया। ब्लड टेस्ट भी करा लेते हैं समथिंग, और अगर आप जानना चाहते हो हार्ट की फंक्शनिंग सही है नहीं, तो देखना पिक्चरों में भी दिखाते हैं कि आपको एक्सरसाइज के लिए दौड़ाएंगे और आपके चेस्ट पे वो सारी लगा देंगे लीड्स, तो उससे भी आपके हार्ट की फंक्शनिंग देखते हैं कि अगर हार्ट फेलियर है तो आपकी हार्ट की फंक्शनिंग लो आएगी कंपैरेटिवली। यो मैम। ठीक है, हो सकता है और कोई टेस्ट भी कराया जाए। सो दीज आर द टेस्ट जो हमारे डॉक्टर साहब ने इसको बोल दिया पेशेंट को कि भाई करवा के आओ, जाओ और बहुत सारे टेस्ट करवा कर आओ। जब बहुत सारे टेस्ट कराए तो उसमें से एक ऑब्जर्वेबल टेस्ट हम यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, देखो, सो दिस इज अ नॉर्मल केस। तो मैंने तुम्हारे सामने नॉर्मल इसलिए रखा था कि तुम कंपेयर कर पाओ, क्योंकि हम डॉक्टर तो है नहीं जो बता पाएंगे एग्जैक्टली क्या फर्क है। तो दिस इज अ नॉर्मल कंडीशन जहाँ पे आपको हार्ट दिख रहा होगा इस रीजन में, है ना। और अगर अगर आप ये वाली कंडीशन देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको लग रहा है कुछ अनयूजुअल। क्या लग रहा है? तो क्या कंडीशन निकली है? हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर। यस, हार्ट फेलियर इज ऑल्सो नोन एज कॉन्जेस्टिव, कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर। कॉन्जेस्टिव का मतलब होता है अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड। जब पेशेंट आई थी उसने बोला था ना मुझे पानी पानी सा लगता है शरीर में, भरा भरा सा लगता है। एक्चुअली क्या होता है, जब हार्ट सही से काम नहीं कर पा रहा तो ऑब्वियसली तुम ग्रेविटी की वजह से सोचो ज्यादा लिक्विड किस तरफ इकट्ठा होने लग जाएगा बॉडी के लोअर साइड, लोअर साइड ऑफ द बॉडी। यस, लोअर साइड। इट कैन एक्चुअली बी फेड। सो इट इज अ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इज अ कंडीशन दैट डेवलप व्हेन योर हार्ट डजंट पंप इनफ ब्लड टू योर बॉडी नीड्स। अपनी बॉडी नीड के अकॉर्डिंग ब्लड पंपिंग नहीं हो रही। दिस कैन हैपन इफ योर हार्ट कैन फिल अप इनफ ब्लड। कि तब भी हो सकता है जब वेल्व सही से काम नहीं कर रही है तो वेंट्रिकल में खून सही से नहीं भर रहा। ये इसलिए भी हो सकता है कि हार्ट बहुत वीक हो गया है, बहुत कमजोर हो गया, ऑक्सीजन की सही सप्लाई नहीं आ रही थी इस वजह से भी नहीं कर रहा। ये इसलिए भी हो सकता है कि वहां पे बहुत सारी स्वेलिंग हो गई है। ठीक है,
सो हार्ट फेलियर डज नॉट मीन दैट हार्ट हैज स्टॉप्ड. हार्ट फेलियर का मतलब ये नहीं है कि हार्ट स्टॉप हो गया. हार्ट स्टॉप कब होता है, कौन सी कंडीशन में? हार्ट में कार्डियक अरेस्ट. यस, किसने बोला ये? किसने बोला? राजकुमार. वेरी गुड राजकुमारी. जब वो अरेस्ट होता है तब वो स्टॉप होता है. तो हार्ट फेलियर में वो स्टॉप नहीं हो रहा, बस काम सही से नहीं कर पा रहा, ठीक है. बट हार्ट फेलियर कैन लीड टू वेरी सीरियस कंडीशन. अगर इसकी ट्रीटमेंट ना हो तो डेफिनेटली सीरियस कंडीशन हो सकता है. क्लियर सबको? यो मैम. यो मैम. अब जो नेक्स्ट कंडीशन है वो बहुत ज्यादा सीरियस है, उसके बारे में बात कर लेते हैं. तो ये लिख लो एक बार, इसमें मटीरियल ज्यादा है. तो डायग्नोसिस है हार्ट डिजीज. लिख लो. और ये भी लिख सकते हैं हम इन्फ्लेमेशन ऑफ हार्ट. 10 मिनट और फिर चले जाएगा. लोरी है ना तुम्हारी, ये लिख लेना. हार्ट फेलियर का मतलब ये नहीं है हार्ट स्टॉप हो गया, दैट इज हार्ट अटैक. डन? यो मैम. बहुत बढ़िया. चलो नेक्स्ट कंडीशन देखो. नाउ दिस इज अ सीरियस कंडीशन. अ पेशेंट हैज कम टू द हॉस्पिटल. ये पेशेंट हॉस्पिटल आया और पेशेंट इज नॉट कॉन्शियस, होश में नहीं है. जब चेक किया गया तो इसकी हार्ट बीट भी नहीं थी कोई, ठीक है. तो बिना हार्ट बीट का एक पेशेंट आया, डेफिनेटली उसको इमरजेंसी रूम में लेके जाया जाएगा और टेस्टिंग के लिए उसको रख दिया जाएगा. वेंटिलेटर से ऑन कर दिया जाएगा और उसके डिफरेंट टेस्टिंग होगी. सो इस पेशेंट को जब टेस्टिंग के लिए रखा गया, देन वी कैन सी द ईसीजी समथिंग लाइक दिस. बीच में उसको रिवाइव हो रहा है थोड़ा सा हार्ट बीट, पर प्रॉपरली आ नहीं रहा है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम हार्ट बीट वर्क नहीं कर रही है. एज यू कैन सी किस तरीके से ग्राफ आगे आगे जा रहा है. यो यो मैम. सो जब हार्ट बीट नहीं आ रही है, दैट मींस हार्ट हैज स्टॉप टू वर्क. सो व्हेन हार्ट स्टॉप टू वर्क, दैट इज कार्डियक अरेस्ट. सो द कंडीशन इज नोन एज, वेरी गुड, कार्डियक अरेस्ट. शाबाश यार, तुम सीख गए राइट. So this was all about the diseases. ये क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क में दे रही हूँ, लगाना. And we meet on Monday. जो मैंने तुमको कराया, देखो arteriosis तो यहाँ दिख जाएगी सारी डिजीज. जो मैंने तुमको कराया, we meet on Monday. और हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट, कौन सा था? कौन सा चैप्टर अगला? Excretory products and elimination. एक्सट्रीम प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन. ओके, जाने से पहले एक चीज सुन लो. कॉमन डिसऑर्डर आई है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के. ट्रैकीकार्डिया क्या होता है? इंक्रीज रेट ऑफ हार्ट बीट होता है, ज्यादा बढ़ जाए किसी की हार्ट बीट. ब्रैडीकार्डिया कॉन्टिन्यूसली बढ़ जाए, ऐसा नहीं है अभी हो सकता है मेरे को घबराहट हो मेरी हार्ट बीट बढ़ जाए, किसी को कंडीशन बता रही हूँ. टैकीकार्डिया एंड ब्रैडीकार्डिया एक नॉर्मल टर्म है जो आपको पीवाईक्यूज में मिल जाएगी. एरिडीमा, ठीक है, ये तो अभी करा था हमने, इरेगुलर हार्ट बीट. कोरोनरी थ्रोम्बोसिस हम कर चुके हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस भी कर चुके हैं, आर्टेरोस्क्लेरोसिस भी कर चुके हैं, हाइपरटेंशन भी कर चुके हैं, ये नहीं करा था. तो ये 3-4 टर्म्स हैं, इसको अपने नोट्स में अपडेट कर लेना, ठीक है, ये तुमको तंग कर सकती है. ओके, ये वाली टर्म्स आपने नहीं लिखी हुई है तो ये नोट डाउन कर लेना, ठीक है. चलो जी, हैप्पी लोहड़ी आप सभी को. हैप्पी लोहड़ी. हैप्पी लोहड़ी. बाय. थैंक यू मैम. बाय.